अरविंद केजरीवाल कल से चुनाव प्रचार करेंगे। केजरीवाल कल से हरियाणा में चुनाव प्रचार करने वाले हैं और कल हरियाणा के यमुनानगर में केजरीवाल की रैली है। तो हरियाणा में इस बार आम आदमी पार्टी पूरी 90 सीटों पर दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और अपनी जीत का दावा इसी कड़ी में केजरीवाल कल यमुनानगर में रैली करने वाले हैं और अपनी जो केजरीवाल की गारंटी है वो जनता के सामने रखेंगे। अब देखना होगा कि जनता का आखिर कितना समर्थन मिलता है, ये 8 अक्टूबर को नतीजे बताएंगे। 5 तारीख को हरियाणा में चुनाव है पूरे 90 सीटों पर और ऐसे में आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस बार जनता उनके साथ है, केजरीवाल के साथ है। तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही कहा जा रहा था कि वो पूरी तरह से चुनाव को लेकर अलर्ट नजर आएंगे और ऐसे में वो जनता के बीच पहुंचेंगे, चुनाव की कमान संभालेंगे, वो होता हुआ भी नजर आ रहा है। कल हरियाणा में चुनाव प्रचार करने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ऐसे में जनता के बीच पहुंचेंगे, उनसे वोट की अपील करेंगे। तो 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और जनता किसके समर्थन में है, किसको समर्थन दिया, ये खुलासा होगा। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले सभी पार्टियां हरियाणा में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया तो वहीं बीजेपी आज करने वाली है। केजरीवाल की गारंटी भी जनता के सामने है और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर जनता किस पर भरोसा करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी कंचन इस समय लाइव जुड़ गई हैं। कंचन, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सीधे जनता के बीच में पहुंच रहे हैं केजरीवाल और चुनाव की कमान संभाल ली है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के इस वक्त के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसी के साथ हरियाणा में जो चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं, अगर आज की बात की जाए तो आज 19 सितंबर का दिन हो चुका है और 5 अक्टूबर को मतदान होना है, तो ऐसे में पूरी तरीके से जो कमान है, जो सबसे ऊपर नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में अरविंद केजरीवाल का था, उस कमान को, उस ऊपर के नाम को और अपने आम आदमी पार्टी के संयोजक के पद को देखते हुए अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से हरियाणा के चुनाव प्रचार में जुट रहे हैं। और शायद यही कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के यमुनानगर पे पहुंचकर वहां पर रैली भी करने वाले हैं। हालांकि इसके पहले लगातार सुनीता केजरीवाल हो या फिर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एम संदीप पाठक की बात कर ले, संजय सिंह की बात करें या फिर खुद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बात कर ले, हर किसी ने हरियाणा में पहुंच करके टाउन हॉल मीटिंग की है, जनसभा की है, रोड शो किया है, रैली किया है। लेकिन अब ऐसे में पहली बार ऐसा हो रहा है तिहाड़ जेल से बाहर आने पर, जमानत पर बाहर आने के बाद, कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा दौरे पर जा रहे हैं। हरियाणा में जाकर के वो यमुनानगर में रोड शो रैली करने वाले, ऐसा पहली बार होगा। और बदलाव की राजनीति अकेला चलो की राजनीति के साथ, अकेला चलो इसलिए क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से हटके सभी 90 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। और बदलाव की राजनीति के तहत देखना होगा कि जनता कितना भरोसा करती है। और दूसरी बड़ी बात कि ये पहली बार और पहला रोड शो, पहली रैली ऐसी है, पहला ऐसा दौरा है जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद के बगैर वहां पर जा रहे हैं। यानी अब तक जब भी वो गए हैं, चाहे हरियाणा में, चाहे किसी और राज्य में, पंजाब में, गुजरात में, गोवा में, तो मुख्यमंत्री की पद के साथ गए, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा जब अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में, आम आदमी पार्टी के एक विधायक के रूप में, आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में हरियाणा के यमुनानगर में रैली करने के लिए पहुंचेंगे। कंचन, बिल्कुल, और यमुनानगर में वो सीधे पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए यमुनानगर कितना महत्वपूर्ण है, आखिर क्यों सबसे पहले यमुनानगर वो पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए यमुनानगर आम आदमी पार्टी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो यमुनानगर में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी जाकर के अपने, मतलब आम आदमी पार्टी के समर्थन के लिए और अरविंद केजरीवाल को लेकर के तमाम चीजों का जिक्र किया था। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल, यही वजह भी है कि सीधे यमुनानगर में पहुंचने, क्योंकि यमुनानगर में आम आदमी पार्टी खुद को थोड़ा मजबूत देख रही है कि यमुनानगर में किसी तरीके से भी सब चीजें जो हैं, जो खाता खुलने की जो बात है, वो यमुनानगर से शुरू की जा सकती है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल अभी
बिना किसी पद पर रहे सिर्फ एक विधायक के रूप में, एक नेता के रूप में या फिर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अगर वहां पे पहुंचे तो यमुनानगर को इसीलिए भी खास तौर पर चुना गया है। आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से उम्मीदें हैं कि यमुनानगर की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी वहां से निकाल भी सकती है। ये तमाम तरीके की चीजें भी, और ऐसे में अब देखना यह भी होगा कि क्या चीजें होती, क्योंकि हरियाणा के जिंद से अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ है। जिंद के वो जन्मे हैं, हरियाणा के वो बेटे हैं, हरियाणा के वो लाल हैं। जिस तरीके से दिल्ली में श्रवण कुमार कहकर के दिल्ली का लाल कहकर उन्होंने तमाम बदलाव के साथ राजनीति की, उसी तरीके से अब देखना होगा कि हरियाणा के लाल के रूप में हरियाणा में बदलाव की राजनीति पर जनता कितना भरोसा कर पाती है। और अरविंद केजरीवाल की पहली ऐसी रैली जो बतौर मुख्यमंत्री नहीं है।